हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड आप लोग कैसे हो? फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। फ्रेंड आप लोग का कमेंट आया था बहुत सारा, कोई ओप्पो रेनो पे बोले हैं, कोई ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन पे, मतलब कि जितना कमेंट आया सबसे ज़्यादा ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन पे आया, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ओप्पो से ही स्टार्ट किया जाए। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और स्वागत है आपका फिर से एक नए मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ओप्पो मोबाइल का लॉक आप कैसे तोड़ सकते हो बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा लॉस किए हुए। जब आपका ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस तरह से लॉक हो जाता है और अनलॉक नहीं होता है, तो आप बहुत ही प्रॉब्लम में फंस जाते हो। आप सोचते हो कि अब मेरा फ़ोन अनलॉक कैसे होगा। आप डायरेक्ट सर्विस सेंटर जाना चाहते हो या किसी रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास जाना चाहते हो, दोनों जगह आपको पैसा लगेगा ही लगेगा, समय लगेगा। और जब फ़ोन अनलॉक होके मिलेगा आपके हाथ में, तो फ़ोन का टोटल डाटा डिलीट हो जाएगा। ये बात तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आज पता कर लीजिए, क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ। सर्विस सेंटर जाओगे, पैसा दोगे, समय दोगे और फ़ोन अनलॉक तो हो जाएगा, लेकिन फ़ोन के अंदर का जितना भी इम्पोर्टेंट फ़ोटो है, इम्पोर्टेंट ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है और अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टोटल का टोटल ऐप बोले तो सर्विस सेंटर वाले डिलीट कर देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आप ओपन किए हो, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा कि ओप्पो का लॉक कैसे तोड़ा जाता है बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा लॉस किए हुए और बिना लैपटॉप कंप्यूटर के। तो आइए फ्रेंड मैं इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन के ऊपर स्वीप अप करना है। जब आप अपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीप अप करोगे तो आप देखोगे नीचे इमरजेंसी कॉल है, उसके अलावा आप कहीं भी फुल स्क्रीन में दिखा दो जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है फ्रेंड, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो आपको इमरजेंसी कॉल पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जब आप इमरजेंसी कॉल पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये न्यू डायलेट खुला है। इस न्यू डायलेट में *#899 और हैज आप जैसे ही खोलोगे तो आप देखोगे कि आपके सामने एक पेज खुला है, जिस पेज का नाम यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है फ्रेंड इंजीनियर मोड। तो इस इंजीनियर मोड में फ्रेंड आप देख सकते हो कितना ऑप्शन आया है आपके सामने, *#899 है। जब आप इमरजेंसी कॉल पर क्लिक करोगे तो जो न्यू डायलेट खुलेगा उस न्यू डायलेट में *#899 पे जब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे फ्रेंड कि आपके सामने एक इंजीनियर मूड नाम का पेज खुला है, जहां पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। फ्रेंड आप कंफ्यूज मत होना फ्रेंड, आपको जो वर्क मैं बता रहा हूं वही वर्क आप करना, आपका भी फ़ोन अनलॉक होगा और वो भी विदाउट डाटा लॉस होगा। तो फ्रेंड आप चौथा नंबर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना मैनुअल टेस्ट पर और फर्स्ट पेज छोड़ देना, और लास्ट फर्स्ट पेज के बाद जो पेज आएगा डिवाइस डबिंग, वहाँ पे आपको भी बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप सबसे पहले जी सेंसर जो आपको दिख रहा है ये फ़ोन का मेन सेंसर होता है और एक एम सेंसर होता है, लेकिन मेन सेंसर जो होता है जी सेंसर। तो हम लोग सबसे पहला वर्क हम लोग का ये होगा, हम लोग सेंसर चेक करेंगे कि हमारा सेंसर एक्टिव है या डीएक्टिव है। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है फ्रेंड कि जी सेंसर का जो एंगल है एक्स वाई जेड, वो तीनों का तीनों कितना तेज़ी से रनिंग कर रहा है। इसका मतलब साफ है फ्रेंड कि आपका सेंसर अभी तक एक्टिव है, क्योंकि ये डीएक्टिव होता तो रनिंग नहीं करता। अब इसको यहाँ से बैक कर लीजिएगा। जी सेंसर के जस्ट नीचे आप देख रहे हो फ्रेंड जायरस्कोप सेल्फ, जायरस्कोप, तो जायरस्कोप पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे जब आप क्लिक किए हो तो फ्रेंड आप देखोगे कि आपके सामने चार ऑप्शन है। तो मेन ऑप्शन जो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन पे है जायरस्कोप सेल्फ टेस्ट, यहीं से आपका डाटा सेफ होगा फ्रेंड। तो हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे स्टार्ट करने का ऑप्शन नहीं है। बहुत सा ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन में ऐसा ऑप्शन होता है कि इसको आप स्टार्ट कर लोगे, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट करने का ऑप्शन नहीं है। तो हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा पास आता है फेल, हमारा सिर्फ पास का वर्क रहेगा, फेल का कोई भी वर्क नहीं होता है फ्रेंड। तो हम क्लिक करते हैं और देखते हैं पास आता है कि फेल। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि हमारा एक ही बार में ये पास आया है, आपको भी इसी पास की आवश्यकता है फ्रेंड। तो हमेशा से आपको मैं बताता रहता हूँ कि अगर एक बार भी फेल हो जाए तो आप दोबारा से ट्राई करना, लेकिन यहाँ पास आएगा तो ही इस पेज से वापस निकलना, क्योंकि यहाँ पास आ गया तो समझ लो आपका डाटा सेफ हो गया। तो हम अब इसको बैक कर लेंगे और ये डाटा डिस्प्ले जो तीन नंबर ऑप्शन में आप देख रहे हैं इसको क्लिक कीजिएगा और 20 तक नीचे की ओर इसको आने दीजिएगा, ताकि आपका FRP कोड जो हो वो टूट जाए,
ये अगर 20 तक इंक्रीज कर गया तो आप देख सकते हो फ्रेंड ये 20 से भी प्लस हो गया, तो हम अब इसको बैक कर लेंगे। और अब चले जाएंगे सबसे लास्ट पेज पे जिसका नाम है अदर्स। अदर्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे आपको 3 ही ऑप्शन में वर्क करना है। तो फ्रेंड रीड राइट इम्पॉर्टेंट लॉक टेस्ट सेकेंड नंबर ऑप्शन फ्रेंड, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि पासवर्ड में हलचल हुआ है या नहीं, पैटर्न पिन जो भी है वो टूटने वाला है या नहीं। तो फर्स्ट टाइम आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा और सेकेंड टाइम इसको ओके कर लीजिएगा। अगर ये रॉन्ग पासवर्ड आपके भी स्क्रीन में शो कर रहा है तो समझ जाइएगा पासवर्ड रीसेट होना स्टार्ट हो चुका है। 3 नंबर ऑप्शन की स्टेटस बोले तो लॉक का स्टेटस, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पास है या फेल। अगर पास है तो आपका फ़ोन का लॉक जो है वो टूट चुका है। तो फ्रेंड सच में आप देख सकते हो जितना भी हमारा की है वो सब पास 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 शो कर रहा है। इसका मतलब मेरे वर्क के अनुसार ऑटोमेटिकली तरीके से आपका पासवर्ड पैटर्न पिन फिंगरप्रिंट लॉक स्क्रीन लॉक जो भी है वो अब टूट चुका है। और डाटा तो मैंने पहले ऑलरेडी सेकेंड पेज से सेव कर दिया। तो लास्ट वर्क आपको सिर्फ चेक करना है कि आपका पासवर्ड पैटर्न पिन टूटा है या नहीं, और वो भी विदाउट डाटा लॉस है या नहीं। तो रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर यहाँ पास है तो आपका फ़ोन अनलॉक है और वो भी विदाउट डाटा लॉस है फ्रेंड। तो हम आइए क्लिक करते हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ भी पास है। और मैंने पहले ही बताया था कि मेरा जो भी वर्क होगा वो सिर्फ पास के लिए होगा, फेल के लिए कोई वर्क नहीं होगा। तो यहाँ पास आया, डायरेक्ट होम बटन पर क्लिक कीजिए और आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन मैंने कैसे अनलॉक किया अपना मेथड से। और डाटा भी मैंने सेफ रखा, अगर आप सर्विस सेंटर जाते पैसा लग जाता, समय लग जाता और ये डाटा भी लग जाता। लेकिन मैंने आज आपको सिखाया है ओप्पो मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ा जाता है बिना सर्विस सेंटर गए, घर बैठे, बिना लैपटॉप कंप्यूटर के। तो फ्रेंड अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आपके पास किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका पूरा मदद करूंगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।